वेलकम बेटा, मैं हूँ आप लोगों की उर्दू की टीचर और मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को आज उर्दू का फोर्थ चैप्टर, जो है आप लोगों का फोर्थ वीक का वर्क भी बेटा। सबक है वादिय ज़ियारत, पेज नंबर 41 पे आ जाएगी वादिय ज़ियारत के लिए। सबक वादिय ज़ियारत, वादी वादी मीन्स जैसे बेटा पहाड़ियाँ, ज़ियारत मीन्स उसकी ज़ियारत करना, देखना, ठीक है, दीदार करना। पाकिस्तान बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, मगर रकबे के लिहाज से तमाम सूबों से बड़ा है। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ मादनियात से मालामाल पहाड़ हैं, वसी रेगिस्तान और जरखेज मैदान हैं। यहाँ के लोग चारों मौसमों से लुत्फ अंदोज होते हैं। सूबे के बाज़ हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ती है तो बाज़ हिस्से सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में पानी की किल्लत है, मगर जहाँ जहाँ पानी मैसर है वहाँ कुदरत और मेहनती लोगों ने जमीन को जन्नत का नमूना बना दिया है। बलूचिस्तान में कई खूबसूरत और वादियां हैं, जिनमें से एक वादी ज़ियारत भी है। वादी ज़ियारत को अपने कुदरती हुस्न और खुशदायक फलों की पैदावार के लिहाज से सहरे फहरिस्त है। तो बेटा इसमें वादी ज़ियारत के बारे में बताया जा रहा है कि वादी ज़ियारत कुदरती तौर पर अपने हुस्न और खुशदायक फलों के पैदावार के लिहाज से सहरे फहरिस्त है, ठीक है, मशहूर है। ज़ियारत बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत क्वेटा से 133 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि सतह समंदर से 8,500 फीट की बुलंदी पर वाकया है। ज़ियारत की आबोहवा बहुत खुशगवार है। यहाँ सनोबर के कदीम तरीन जंगलात पाए जाते हैं। सनोबर खास किस्म के दरख्त और ज़ियारत की पहचान बन गए हैं। इन दरख्तों की लकड़ी से कई चीजों के अलावा पेंसिलें भी तैयार की जाती हैं। बेटा ज़ियारत शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर मुल्ला ताहिर खरवारी बाबा की दरगाह है। इन्हीं बुजुर्ग की नस्बत ये मकाम ज़ियारत के नाम से मशहूर हुआ। ज़ियारत को यह एहसास है कि यहाँ बाबा कौम हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी कयाम गुजारे। तो बेटा यहाँ ये बताया जा रहा था कायदे आज़म ने भी अपने आखिरी कयाम किए और बाबा मुल्ला ताहिर खरवारी की दरगाह है, जिसी की वजह से इसका नाम वादी ज़ियारत पड़ा, ठीक है बेटा। और कायदे आज़म की ज़ेर इस्तेमाल जितनी भी चीजें इस इमारत में थी वो महफूज कर दी गई हैं, उन्हें, ठीक है, म्यूजियम में रख दिया गया है। ज़ियारत के इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत सूरत मकामात हैं, जिनकी कूफे खलीफत की बुलंद तरीन चोटी और सैनीमन तंगी का आबशार खुसूसन काबिल जिक्र हैं। तंगी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की वजह से शक हो गया है, इसके अंदर दाखिल हो तो आगे किसी हद तक अंधेरा हो जाता है। अंधेरे से आगे निकलकर रोशन जगह पर छोटा सा खूबसूरत आबशार नजर आता है। तो बेटा इसके अलावा जिंदा अहमद वन मुंह गोगी यहाँ की इंतहाई जखेज वादियां हैं। ज़ियारत को बजा तौर पर फलों की वादी कहा जाता है। यहाँ सेब, खुबानी, अंगूर, अनार, आड़ू और चेरी के बागात कसरत से हैं। यहाँ के फल जायके के लिहाज से दुनिया भर में नुमाया हैसियत रखते हैं। ज़ियारत के लोग मेहनती और छोटी छोटी पहाड़ियों को अंबार करके बागात लगा रखे हैं। इसके अलावा नदियों किनारों पर ये पत्थर की दीवार बना देते हैं और उनमें जरखेज मिट्टी भर के चारों तरफ दरख्त लगा देते हैं, जिससे फलदार दरख्त बन जाते हैं चारों तरफ, तो एक खूबसूरत वादी का मंजर पेश करते हैं। ज़ियारत के लोग पढ़े लिखे शरीफुल तबा मेहमान नवाज हैं। सजी लांदी, रविश, रोस्ट यहाँ के मशहूर पकवान हैं, जो खाने में बड़े मजेदार हैं। बेटा मेरा आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।